लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लोकलाज छोड़कर अपनी तिजोरी भरने में लगे, लेकिन अब उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। इसलिए यदि उनके पास थोड़ी भी नैतिकता शेष है तो अविलंब अपने पद से इस्तीफा देकर अपने दल के ही किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ की भाषा संस्कृति को महज एक खदान के टुकड़े के लिए गिरवी रख दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर अवैध तरीके से एक पत्थर खदान का लीज स्वीकृत कराया है। अनगड़ा जो रांची जिले का एक प्रखंड है, वहीं के मऊजा अनगड़ा की खाता नंबर 187, प्लॉट नंबर 482। जोहार, आप देख रहे हैं लोकल खबर, मैं हूं सुभाष शेखर। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। अनगड़ा के पत्थर खनन लीज मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें उन पर बड़ा फैसला सुनाया है और वो फैसला का कॉपी जो है राजभवन के पास पहुंच गया है। ये मामला कहां से शुरू होता है और इसका उजागर कैसे हुआ, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने ये पहली बार उजागर किया था और कैसे किया था, यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं सुनील कुमार, जो आरटीआई के कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं। सुनील जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। ये जो आज हेमंत सोरेन पर जो कुर्सी पर जो तलवार लटक रहा है, ये आपने कैसे खुलासा किया था और किन माध्यमों के जरिए से खुलासा किया था? देखिए, अनगड़ा उसी रास्ते से हमारा आना जाना लगातार होता है और इसकी जानकारी मुझे 2016-17 से ही थी। 17 में भी मैंने इस मामले को उठाया था जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने फर्जी पते पर, बूटी मोड़ के पते पर उन्होंने वहाँ पे ज़मीन 20 साल के लिए लीज थी CNT का वायलेशन करते हुए। उसके बाद जो फॉरेस्ट के जो लॉज हैं उसका भी वायलेशन करते हुए उन्होंने वहाँ पे खदान का लेने का प्रयास किया था, उस समय वो पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं 2021 में उन्होंने तीव्र गति से उनकी फाइलें दौड़ी और 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई और जून महीने में उनको LOI का जो है लेटर जो है उनको मिला DC के यहाँ से। और जब आपके पास सारा कॉपी आया, किस तरह से आया, RTI के या फिर के वो जरिया क्या था? देखिए, ये जो चीज़ें हैं आजकल बहुत सी सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है काम की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जहाँ से होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका पोर्टल है, ये सारी दस्तावेज अपलोड हैं, अपलोड थी। लेकिन चूँकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्होंने सारे जगह से ये इनके दस्तावेज डिलीट किए हुए थे, लेकिन एक जगह वो ऑनलाइन अवेलेबल था, वो लिंक आज भी है, वहाँ पे वो दस्तावेज आज भी संभवतः होंगे। वहीं से वो सारे दस्तावेज मैंने डाउनलोड किया था और वहीं से वो मिला था। उसके बाद चूँकि मुझे इस मामले की जानकारी थी पहले से, फिर मैंने इस मामले की पूरी दस्तावेजों के साथ झारखंड के राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री, चुनाव आयोग, सभी जगह मैंने इसका पत्राचार 20 जनवरी को ही किया था और उस पत्राचार की प्रति मैंने सारे मीडिया वालों को दिया था पूरे झारखंड के, लेकिन किसी मीडिया वाले की हिम्मत नहीं हुई। शायद उनको डर था कि विज्ञापन रुक जाए, किसी ने नहीं छापा। और यही व्हाट्सएप में सर्कुलेट होते होते ये किसी माध्यम से रघुवर दास तक पहुँचा और फिर उन्होंने 10 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप रघुवर दास का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, मेरा जो पत्र है मैंने जो राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को लिखा था, उसके एक एक शब्द वो पढ़ रहे हैं। तो हालांकि इस मामले को रघुवर दास ने ही अंजाम तक पहुंचाया, वो उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आज जो स्थिति बनी हुई है, चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले लिया है और कुछ ही देर में गवर्नर भी इसमें कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अगर जो गलत है तो गलत है, निर्वाचन आयोग ने सही फैसला दिया है और अब ये राजभवन को तय करना है कि कब अधिसूचना जारी करते हैं, उसके बाद आगे जो होगा वो तो सब सबके सामने है।
जिस तरह के खुलासे आपने किए हैं हेमंत सोरेन को लेकर, इस तरह के और भी कितने जाने माने लोग हैं, कद्दावर नेता, मंत्री, विधायक हैं जिन पर इस तरह के आरोप लग सकते हैं और जिनके दस्तावेज आपके पास हैं, खुलासे हो सकते हैं? देखिए, ये इनका मामला अलग था, बाकी अन्य विधायकों के जो मामले अलग हैं उन मामलों को भी हमने निर्वाचन आयोग में उनकी शिकायत की थी। निर्वाचन आयोग से भी हमें कुछ निर्देश मिला है कि हमें उस पर आगे कैसे इनिशिएट करना है। अब ये अभी सरकार की जो आपाधापी चल रही है, अभी थोड़ा माहौल शांत हो जाए तो बाकी वो जो 3-4 विधायक हैं उन मामलों को भी लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। कौन कौन से वो विधायक हो सकते हैं, कुछ खुलासा भी हो सकता है? खुलासा क्या, वो सारे मीडिया में पहले भी आया हुआ है कि उसमें सुदीप कुमार सोनू हैं, दीपक बिरुआ हैं और मिथिलेश ठाकुर का मामला तो उसमें चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया हुआ है। बसंत सोरेन का मामला पहले से ही एक वो भी है। हम बात कर रहे थे सुनील कुमार महतो जी से, इन्होंने सबसे पहले इस पूरे मामले को उजागर किया था, तब जाके बीजेपी संज्ञान लेते हुए बीजेपी के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद ये हाईलाइटेड हुआ था और तब जाके चुनाव आयोग के पास भी कंप्लेन किया गया था और उसी के आधार पर अब ये कार्रवाई हो रही है। और भी इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ की भाषा संस्कृति को महज एक खदान के टुकड़े के लिए गिरवी रख दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर अवैध तरीके से एक पत्थर खदान का लीज स्वीकृत कराया है। अनगड़ा जो रांची जिले का एक प्रखंड है, वहीं के मऊजा अनगड़ा के खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में जून 2021 से सितंबर 2021 के बीच सारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और हेमंत सोरेन के नाम, स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक पत्थर खदान का लीज स्वीकृत किया गया। हेमंत सोरेन का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह सत्ता में बने रहकर अपने और अपने परिजनों के लिए धन संपदा इकट्ठा करना रह गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो चंद विधायकों के दबाव पर उन्होंने स्थानीय नीति को गिरवी नहीं रखा होता, यहाँ के खतियान को गिरवी नहीं रखा होता। आज धनबाद और बोकारो जैसे जिलों में मगही, भोजपुरी, मैथिली भाषा को उन्हें क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया और वहां की युवाओं के रोजगार में हकमारी का एक रास्ता खोल दिया है।